हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्रजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, इसमें सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप इसी तरीके से करते हैं, 50 क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में सामान्य जानकारी के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, तो आप परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट जो है आपका सही रहेगा। और आप जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहते हैं और 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, आप वहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सामान्य जानकारी के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे जुड़ा क्या कहते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव ये सब तो करना नहीं होता। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, कोई वहाँ पे आप रिस्क लेते हैं तो माइनस मार्किंग भी रहता है आपका। जो भी अगर आप रिस्क ले रहे हैं आपका गलत हो जाएगा, आपका माइनस वहाँ पे जो आप अंक पा भी रहे हैं उसमें भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, कटौती हो जाएगा। ये जो आपका पेपर है ये है 8/2/2019 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आ रहे थे और अभी तक आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है और पेपर्स का जो है 51वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीरीज का पहला और पेपर का 51वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 2016 के लिए सांस्कृतिक समरसता के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित राम बनजी सुतार एक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक प्रसिद्ध क्या थे, जो राम बनजी सुतार जो थे ये एक प्रसिद्ध क्या थे, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है, ये आपकी नहीं जाती है गोदावरी नदी, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कौन से देश का संविधान सबसे लंबा है। ठीक है, विश्व में सबसे लंबा संविधान किसका है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे देखेंगे तो सबसे लंबा संविधान भारत का है। ठीक है, भारत का संविधान जो है सबसे लंबा है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। ठीक है, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, किसने किया था ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन हैं सही हो रहे हैं, लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर जो है आपका है ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 दंत दुर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था। ठीक है, भारत की पहले विश्व कप विजेता टीम का कप्तान कौन था ये आपसे पूछा जा रहा था। कौन था, वो थे कपिल देव। ठीक है, कौन थे, कपिल देव थे। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। भारत की अधिकांश नदियों का पानी, ठीक है, भारत की अधिकांश नदियों का पानी कहाँ पे मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है बंगाल की खाड़ी में, अधिकतर नदियों का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी आपकी 1191 में। ठीक है, 1191 में लड़ी गई थी, किसके किसके बीच लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यह था 2018 तक भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये 2018 की बात कर रहा है, ठीक है, ना कि अब की, तो यहाँ पे कौन सा है, ढोला सदिया। ठीक है, ढोला सदिया ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रहा है, खासी विद्रोह किस कालावधि के दौरान हुआ था, खासी विद्रोह किस कालावधि के दौरान हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, किस कालावधि के दौरान हुआ था, यहाँ पे सही ऑप्शन है 1829 से 1833। ठीक है, 1829 से 1833 ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पी एम बी एफ
PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? PMFBY का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन दो। ठीक है, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन जो है लंबा है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए, दिखा देते हैं हम आपको, चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन दो सही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों का एक वर्ग नहीं है? दोस्तों, अगर आपको लगे वीडियो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है तो आप पॉज करके वीडियो यहाँ पे सेटिंग देता है, और यूट्यूब में सेटिंग दे रखा है कि आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड कम भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा के अगर आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के आप रिवाइज कर सकते हैं एक तरीके से, और आपको जैसे आपको पूरा विस्तृत में समझना है तो आप उसकी स्पीड कम करके पूरा एकदम विस्तार में समझ गए। ठीक है, यहाँ पे अगले, यहाँ पे सही आंसर क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यहाँ पे है एल्बुनिया। ठीक है, एल्बुमिना। ठीक है, एल्बुमिना ऑप्शन दो सही है। ठीक है, ऑप्शन दो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधे के प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है? पौधे के प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये आपका करता है फूल। क्या करता है? फूल करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लावड़ी किस कहाँ का लोक नृत्य है? ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नैसकॉम के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, नैसकॉम के अध्यक्ष कौन हैं? यहाँ पे दोस्तों 2019 में जब ये हुआ था पेपर, तब की बात कर रहा है। ठीक है, ना कि अब की बात कर रहा है, ये जब का पेपर है तब की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन है? देवजानी घोष। ठीक है, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है। 65 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस सॉल्व किया, वहाँ पे देखिए दोस्तों, खेल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, खेल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आप किसी भी, देखिए कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटने पाए ना पाए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, आप सभी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में ये आपका हुआ ओलंपिक हुआ, ठीक है, ओलंपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि कौन जीता, कितने मेडल आए, किस मेडल, किस कौन सा मेडल किसको मिला और किस में मिला, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन एक। ठीक है, ऑप्शन एक यहाँ पे 15। ठीक है, कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 15 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था पिगमिलियन बिंदु, ऑप्शन फोर। पिगमिलियन बिंदु के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किस युगल साझेदार के साथ लिएंडर पेस ने 2018 में सांतो सोमिंगो ओपन ट्रॉफी जीती? किसके साथ जीती थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके साथ जीती थी, ये जीती थी आपका मेगुएल एंजेल से रेस बरेला। ठीक है, मेगुएल एंजेल रेस बरेला, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में 2018 में 23 शेरों की मौत हुई थी? ठीक है, 23 शेरों की मौत हुई थी। इससे पहले वाले दोस्तों, इससे पहले वाले में वीडियो में था कि किस बीमारी के कारण हुआ था, किस वायरस के कारण हुआ था, वो यहाँ पे वो डिस्कस किया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हुआ था। ठीक है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हुआ था, ये हुआ था आपके गिर अभ्यारण्य में। ठीक है, गिर अभ्यारण्य में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है गिर अभ्यारण्य। ठीक है, और गिर अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गिर अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगला देख लेते हैं, दंत दुर्ग कौन थे? दंत दुर्ग कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। दंत दुर्ग थे राष्ट्रकूट प्रमुख। ठीक है, राष्ट्रकूट प्रमुख, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है। पानी जम जाता है,
पानी जम जाता है, चार ऑप्शन है आपके पास, पानी कब जम जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यथा जनवरी 2019 को श्री कुम्मनम राजसेवरन किस राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है। 2019 जनवरी 2019 की बात कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ के हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कहाँ के हैं ये हैं मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के हैं, ठीक है, ऑप्शन दो, ठीक है, मिजोरम है। और मिजोरम के अभी वर्तमान में जो है राज्यपाल कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके चैनल पे यहाँ पे वीडियो अपलोड है राज्य राजधानी और वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड डॉक, यहाँ पे आपको पास वीडियो अपलोड है, आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 72 नंबर, भारत के साथ साथ कितने अन्य देश चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े हैं, चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े हैं कितने देश भारत के साथ साथ और जुड़े हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, कितने देश जुड़े हैं, ऑप्शन एक दो, ठीक है, ऑप्शन एक दो जुड़े हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सिस्तान और बलूचिस्तान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले के किस शहर की खुदाई की गई थी, ठीक है, 1922 में किस जिले की खुदाई की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, किस जिले की खुदाई की गई थी, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, खुदाई की गई थी मोहनजोदाड़ो की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित हृदयनाथ पुरस्कार से 2018 में किसे सम्मानित किया गया, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो किसे सम्मानित किया गया था ये किया गया था मोहम्मद जहूर खयाम, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथा जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ठीक है, राज्यपाल कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल पूछा जा रहा है, उस समय भी राज्यपाल में थोड़ा फेर बदल हुआ था, ठीक है, वहाँ पे फेरबदल हुआ था, नई नियुक्ति हुई थी और इस बार भी नई नियुक्ति हुई है, ठीक है, इस बार भी नई नियुक्ति हुई है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस्तीफा भी दे दिया है और गुजरात के सीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है और उत्तराखंड के सीएम ने भी कई बार इस्तीफा दे दिया, कई सीएम वहाँ पे इस बार चुनाव के बाद वहाँ पे 3 बार सीएम बदल चुके हैं, ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर जो है ई एस लक्ष्मी नरसिम्हन जो है ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक स्थिर तापमान पर प्रति इकाई द्रव्यमान अवस्था प्रतिवर्त परिवर्तन के लिए अवशोषित या निमोचित की गई ऊष्मा ऊर्जा क्या कहलाती है, ठीक है, ये क्या कहलाती है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कहलाती है अंतर्निहित ताप, ऑप्शन एक अंतर्निहित ताप कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है, ठीक है, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है ये आपसे पूछा गया है, तो ये कितना है 3.3%, ठीक है, 3.3%, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। अगला देख लेते हैं, यूथ ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत का पहला निशानेबाज कौन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, ओलंपिक का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे सही जो है मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर ऑप्शन एक यहाँ पे सही है, मनु भाकर ऑप्शन एक यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाप के वाष्पीकरण का अंतर्निहित ऊष्मा है, भाप के वाष्पीकरण का अंतर्निहित ऊष्मा क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना है 540 कैलोरी प्रति ग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, थार रेगिस्तान को किस और नाम से भी जाना जाता है, थार रेगिस्तान को किस और नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है, बृहत भारतीय रेगिस्तान, ठीक है, बृहत भारतीय रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है, किसने कहा था ये आपसे पूछा जा रहा है, किस गवर्नर जनरल ने कहा था,
ठीक है, ये कहा था कैनिंग ने, ठीक है, कैनिंग ने कहा था, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2018 में राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में हरिवंश नारायण सिंह को कुल कितने वोट मिले, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह को कुल कितने वोट मिले ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने वोट मिले थे, 125, ठीक है, 125 वोट मिले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस उपकरण के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है, किस उपकरण द्वारा वाहन की चली गई दूरी का मापन किया जाता है, ये किया जाता है ऑडोमीटर द्वारा, ठीक है, ऑडोमीटर द्वारा, ऑप्शन दो यहाँ पे सही है, ऑडोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है दक्षिण भारत का सस्योत्सव है, ठीक है, दक्षिण भारत का सस्योत्सव है ये आपसे पूछा गया है, ये कौन सा है, पोंगल, ठीक है, कौन सा है, पोंगल, ऑप्शन तीन, पोंगल दक्षिण भारत का सस्योत्सव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रीय संगीत वाद्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा नहीं है, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन चार, ठीक है, मृदंग, ठीक है, ऑप्शन चार सही है, मृदंग, 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर चार सही है, मृदंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी मृदा, ठीक है, पृथ्वी मिट्टी खनिज और चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सी तकनीक जो है प्रासंगिक नहीं है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये है ऑप्शन फोर, ठीक है, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है, खुदाई, ठीक है, ऑप्शन फोर खुदाई नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, बर्फ यहाँ पे दिया गया, बर्फ के संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा है, ठीक है, बर्फ के संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये है आपके 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारों को कहा जाता है, हाथ के इशारों को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हाथ के इशारों को कहा जाता है मुद्रा, ठीक है, हाथ के इशारों को मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, मुद्रा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कौन है उत्तराधिकारी, रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई, ऑप्शन दो यहाँ पे सही है, रंजन गोगोई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में ESISSA गुड प्रोडक्ट्स अवार्ड मिला, ISSA की स्थापना 1927 में किसके तत्वावधान में की गई थी, ठीक है, यहाँ पे किसके तत्वावधान में की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, कब की, किसके तत्वावधान में की गई थी, ये की गई थी आपका ऑप्शन तीन, ठीक है, ऑप्शन तीन की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है, किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया है दोगुनी करने की, यहाँ पे किया है 2022 तक, ठीक है, 2022 यानी कि अगले साल तक किसानों की आय जो है दोगुनी करने की लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, अगले साल यानी कि 2022 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने जीवित जीवों के लिए द्विपद नामकरण पद्धति विकसित की, ठीक है, किसने नामकरण यहाँ पे पद्धति की ये आपसे पूछा जा रहा है, तो किसने किया था ये आपके किए थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने किया था, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु को, ऑप्शन चार यहाँ पे सही है, अरस्तु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 की रैंकिंग के अनुसार भारत में कौन सा जिला दूसरे सबसे स्वच्छ है, ठीक है, दूसरा सबसे स्वच्छ जिला कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन है ये आपका रेवाड़ी, ठीक है, कौन है रेवाड़ी, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है, ठीक है, रेवाड़ी जो है ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ऑप्शन तीन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ये है आपकी गोवा की, ठीक है, कहाँ की है गोवा की, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है गोवा की।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, किस स्थान पर भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 32वां संस्करण आयोजित किया गया था? ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये किया गया था बेलावन। ठीक है, बेलावन में किया गया था, ऑप्शन फोर यहाँ पे ऑप्शन वन इसका सही है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया? ठीक है, किसने डिजाइन किया यहाँ पे किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है, किसने किया था, ये किए थे आपके राम वनजी सुतार। ठीक है, राम वनजी सुतार ने किया था, ऑप्शन फोर सही है। और इसकी हाइट क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी हाइट क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों के लिए होता है, ये आपका होता है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है। ठीक है, पेद्दापल्ली जिला जो भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के अनुसार तीसरा सबसे स्वच्छ जिला है, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है पेद्दापल्ली जिला, कहाँ पे है ये है आपका तेलंगाना में, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है, तेलंगाना में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में, कोणार्क उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आप लोग सभी प्रकार से क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने लास्ट तक वॉच किया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।